को देते हैं, अपने सर पे नहीं लेते, सब वो करते हैं। और आज मेरे कन्हैया द्वारिकापुरी चलने के लिए तैयार है। बुआ कुंती के पास पहुंचे और कुंती बुआ के पास बैठे, बोले बुआ कैसी हो? बुआ ने कहा कन्हैया बहुत अच्छी हो। कन्हैया ने कहा बुआ ऐसा है ना कि अब मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, अब तो मुझे द्वारिका जाने की इच्छा हो रही है। बुआ कुंती ने कहा कन्हैया जब तुम मेरे पास बैठते हो बहुत अच्छा लगता, मीठी मीठी बातें करते हो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन जब तुम जाने की बात करते हो तो मेरा कलेजा रोता है, मेरा हृदय रोता है, ये आंखें तो रोती ही हैं, लेकिन मेरा हृदय रोता। मैं नहीं चाहती कि कभी तुम जाने की बात करो हमसे, तुम यहाँ रहने की बात करना, सब कुछ कहना सुनना ठीक है, लेकिन कभी भी जाने की बात हमसे, क्योंकि जब तुम कहते हो तो मेरा दिल रोता है। कन्हैया ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, मैं बुआ की खुशी के लिए आया और अब जाने की बात है और बुआ ही नाराज हो तो फिर क्या मतलब। तो भगवान ने कहा कि चलो ये तो रिश्ते में बुआ है ना, लेकिन यदि उस रिश्ते को देखा जाए तो मैं तो परम पिता हूँ, सबका पिता हूँ, सबका पति हूँ, ये सब मेरी संतान है। बोले बुआ एक काम करो ना, मैं जाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कुछ आशीर्वाद तुमको देके जाऊँ, कुछ वरदान देके जाऊँ, कुछ वर मांग लो, क्योंकि बड़े लोग कहीं जब निकलते हैं जाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे पीछे पीछे लग जाते कि बाबा मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा, तो बाबा क्या करते हैं अपने पॉकेट से 5 का 1 सिक्का निकालते हैं बच्चे को, और जब वो 5 का सिक्का पाता है बच्चा खुश हो जाता है, कहता बाबा ठीक है जाओ जल्दी लौट के आना, लेकिन यदि वो सिक्का नहीं पाता तो क्या कहता, नहीं मैं तो चलूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान को जाना है तो भगवान ने कहा कि चलो कुछ दे करके हम अपना पिंड, क्योंकि मैं तो सबका पिता हूँ, मैं तो परम पिता हूँ, इसलिए बोले बुआ मांगो कोई वर मांग लो, मैं कन्हैया आज तुम्हें देने के लिए तैयार है, मैं कन्हैया बिल्कुल तैयार हूँ देने के लिए, मांगो बुआ। बुआ ने कहा नहीं कन्हैया सब कुछ है, अब क्या कमी है, ये राजपाट की कमी थी वो भी तुम दिलवा ही दिए, ये सब तो तुम्हारी ही कृपा है ना, सब कुछ है। क्योंकि बुआ ने कहा कि कोई एक बार कहे कि मांग लो तो तुरंत मांगना बैठना, क्योंकि अगला सोचेगा कि लग रहा है मांगने के लिए मुंह बाके बैठा हुआ था, हमारा मुंह जो ही खुला कि मांगो फटाफट मांगना शुरू कर दिया। बुआ ने कहा कन्हैया नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ देना। बुआ ने कहा कि कन्हैया ठीक है, मन ही मन मैं तुम्हारी बाप की बहन हूं, तभी तो बुआ होना, जब पिताजी की बहन होती है वही बुआ होती है, बोले कि तुम डाल डाल तो मैं बात बात तुम्हारी बाप की मैं बहन हूं, चल मांग बुआ मांग। और कुंती बुआ ने जो मांगा आज तक किसी भक्त ने ऐसा वरदान नहीं मांगा है। बुआ अपना जुबान खोली दी और बोली कन्हैया देना चाहते हो? बोले हाँ, राजपाट मांग लो? बोले नहीं, धन दौलत मांग लो? नहीं, स्वर्ग वैकुंठ मोक्ष? बोले नहीं। बोले तो फिर मांगो ना, क्या चाहिए तुम्हें, अपने मन से मांग लो। और आज बुआ ने मांगा, ध्यान से सुनिएगा।